हरे कृष्णा एवरीवन, वन गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। इस्कॉन दिल्ली पार कर चुका है 25th ईयर एनिवर्सरी का आंकड़ा। दैट मींस इन दिस ईयर 2023 वी आर सेलिब्रेटिंग द सिल्वर जुबली ऑफ इस्कॉन दिल्ली। यस, अच्छा तो इस्कॉन दिल्ली विच इज इन ईस्ट ऑफ कैलाश, तो इकलौते मंदिर होगा ना आपको तो दिल्ली में? नहीं जी नहीं, बहुत सारे मंदिर हैं। इस मदर टेम्पल के साथ आए हैं 16 मंदिर और। ये मंदिर वाला कौन कौन से हैं? इस्कॉन पंजाबी बाग, इस्कॉन रोहिणी, इस्कॉन छिपीवाड़ा, इस्कॉन द्वारका, इस्कॉन नोएडा, इस्कॉन साहिबाबाद, इस्कॉन महिपालपुर, इस्कॉन फरीदाबाद, इस्कॉन गाजियाबाद राजनगर, इस्कॉन गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन, इस्कॉन गुरुग्राम इन बादशाहपुर, इस्कॉन गुरुग्राम इन सेक्टर 45, इस्कॉन छतरपुर, इस्कॉन पंचशील, इस्कॉन GK3 और आखिर में है इस्कॉन बहादुरगढ़। सो ये है 16 बेबी टेम्पल फ्रॉम दिस मदर टेम्पल विच इज इन ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन दिल्ली। और ये साल रामनवमी के उत्सव पे हम मना रहे हैं सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। तो बोला दिल्ली में प्रचार कब शुरू हुआ? वेल, दिल्ली में प्रचार शुरू हुआ इन द ईयर 1971, 12th ऑफ नवंबर से लेकर के 21st ऑफ नवंबर तक हर रोज पंडाल प्रोग्राम होता था कनॉट प्लेस के अंदर, और वहां पर हर रोज 30,000 लोग आते थे श्रील प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। इतना अच्छे से प्रचार चल रहा था कि उस वक्त जमीन ऑफर हुई थी श्री प्रभुपाद जी को, लेकिन तिहाड़ जेल के पास में श्री प्रभुपाद जी ने उस वक्त उस जमीन के लिए मना कर दिया था। और 2 साल के प्रचार के बाद श्री श्री राधा पार्थ सारथी जयपुर से लाए गए थे, और फिर आनंद निकेतन नाम के स्थान में श्री श्री राधा पार्थ सारथी को इंस्टॉल किया गया, उनकी विग्रह स्थापना की गई थी। ये DTs जयपुर से यमुना माता जी लेकर के आई थी, और उस वक्त इस्कॉन दिल्ली के पहले प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था तेजस प्रभु। और फिर 2 साल बाद श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक बहुत ही विश्वसनीय सोल्जर को, अपने शिष्य को, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को दिल्ली भेजा प्रचार करने के लिए। 1980 में लैंड के लिए पहला प्रपोजल गया था, और उसके बाद 1981 में पहली रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की गई। उस वक्त कांग्रेस के एक मिनिस्टर थे, उनका नाम था मोहसिना, और ये मोहसिना जी ने इतनी दिक्कतें दी, अरे माय गॉड, भक्तों को बार बार इनके पास जाना पड़ा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज प्रैक्टिकली हर रोज इनके पास जाते थे, इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि मंदिर के लिए लैंड दे दीजिए। फाइनली जब उनको कुरान की कॉपी गिफ्ट की गई महाराज जी के द्वारा, तो उन्होंने अप्रूव किया। 10 साल के संघर्ष के बाद फाइनली 1991 में हमको ये लैंड मिल गई, और ऑफिशियली अगर आप गजेट पेपर में देखेंगे ना, तो इस हिल का नाम है जिसमें मंदिर बना हुआ है, उसका नाम है गोवर्धन हिल। उस वक्त कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे हमारे मंदिर के, उनका नाम था CJ दवे, और ये इतने प्रभावित हुए इस प्रोजेक्ट से कि बाद में उन्होंने दीक्षा भी ली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी से, और फिर इनका नाम पड़ गया चतुर्मास्य दास। और इसके बाद एक और विभूति जुड़ी इस मंदिर को सुंदर रूप देने के लिए, यानी इसके आर्किटेक्ट, और वो थे AP कनविंदे जी, दैट मींस अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे जी। इनको इस मंदिर के सुंदर डिजाइन बनाने के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, बल्कि आज कई ऐसे आर्किटेक्ट स्कूल के बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं देखने के लिए किस प्रकार से ये एक पहाड़ी के ऊपर इतना सुंदर स्ट्रक्चर भला कैसे बन सकता है। वेल, ये इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया AP कनविंदे जी के सुंदर डिजाइन ने। सो CJ दवे यानी चतुर्मास प्रभु जी ने भी, और साथ ही अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे जी ने, दोनों ने निस्वार्थ भाव से बिना कोई शुल्क लिए हुए इस मंदिर को बनाने में सहयोग दिया था। इस मंदिर को बनाने के लिए हिंदुजा ग्रुप ने 25% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। और तो और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की सेना में थे बहुत सारे महान सैनिक, जिनमें अग्रणी थे वेदव्यास प्रभु जी, और इसके अलावा राधा दामोदर प्रभु जी, महामंत्र प्रभु जी, व्रजेंद्र नंदन प्रभु जी, कृष्ण प्रिया प्रभु जी, शुभक प्रभु जी एवं अद्भुत प्रभु जी। हालांकि मंदिर को बनाने के लिए बहुत संघर्ष रहा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने प्रण लिया कि जब तक श्री राधा पार्थ सारथी का यह सुंदर मंदिर बनने जाता, मैं हर रोज सिर्फ रोटी और कद्दू की सब्जी ही पाऊंगा प्रसाद में, और कुछ नहीं पाऊंगा। इस मंदिर को बनाने के लिए जिस कंपनी को हायर किया गया था, उसका नाम था तारापुर कंपनी। इन्होंने ताज मानसिंह होटल और साथ ही इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी बनाया हुआ था, लेकिन अब इनको मौका मिला भगवान का मंदिर बनाने का। इस मंदिर को बनाने के लिए 850 टन स्टील, 5,500 टन सीमेंट, 25,000 स्क्वायर फीट मार्बल, 75,000 स्क्वायर फीट रेड स्टोन, 2,000 क्यूबिक फीट वुड, 250 लेबर, 12 करोड़ रुपए जो कि आज के समय में होंगे करीब 150 करोड़ रुपए, 3 एकड़ की लैंड और प्लस 2 एकड़ की पार्किंग जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई मेंटेन करने के लिए। इस प्रकार से
बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी लक्ष्मी, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी तपस्या के बाद 5th ऑफ अप्रैल 1998 को रामनवमी के दिन, जी हाँ, रामनवमी के दिन इनॉग्रेशन हुआ इस श्री श्री राधा पार्थसारथी द ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का। और उस वक्त इस मंदिर को इनॉग्रेट करने के लिए आए थे भारत रत्न हमारे देश के ग्लोरियस प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम हु वाज अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथ में सुषमा स्वराज भी थी, हु वाज दी कैबिनेट मिनिस्टर, और साथ ही उस वक्त दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा जी और दिल्ली के एलजी तेजेंद्र खन्ना जी भी इस महान उत्सव पर उपस्थित थे। और तो शिशि राधा पार्थसारथी शुरू शुरू में थे आनंद निकेतन में, उसके बाद ये पहुंचे बंगाली मार्केट में, उसके बाद फिर ये पहुंचे लाजपत नगर में, उसके बाद फिर ये ग्रेटर कैलाश में, फिर संत नगर में, फिर गोविंदा रेस्टोरेंट में, और फाइनली फिर आज जहां ये स्थापित हैं वहां पर उनको स्थापित किया गया। कई लोगों ने इंस्टॉलेशन के मौके बोला कि महाराज जी यहां पर तो बड़े वाले डीडीज आने चाहिए राधा पार्थसारथी के। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें बोला ये तो वही राधा पार्थसारथी हैं जो कि स्वयं श्री प्रभुपाद जी ने इंस्टॉल किए थे, उन्होंने स्थापित किए थे, हम भला उनको कैसे छोड़ सकते हैं। और इन्हीं डीटीज को 2023 में होने वाले हैं 50 साल पूरे। सो मंदिर को हो रहे हैं 25 साल पूरे, लेकिन डीटीज राधा पार्थसारथी को हो रहे हैं 50 साल पूरे। Isn't that amazing? Yes. तो इस प्रकार से जब ये मंदिर इनॉग्रेट हुआ तो यहाँ पर आए श्री श्री राधा पार्थसारथी, साथ ही ललिता विशाखा देवी, साथ ही सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी, और साथ ही आए श्री श्री गौ निताई जी भी along with his divine grace Srila Prabhupada. और इसके अलावा 4 मई को जिस दिन है नरसिंह चतुर्दशी, उस दिन आने वाले हैं श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में नरसिंह भगवान, जी हाँ, लक्ष्मी नरसिंह एवं प्रहलाद महाराज आने वाले हैं, उनका डीटी इंस्टॉलेशन होगा 4th ऑफ मई को। साथ ही इस मंदिर के परिक्रमा मार्ग में आप आर्ट गैलरी भी देख सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बता रही हैं। बनाने वाले थे एक रशियन डिवोटी, उनका नाम था अंजना प्रभु। और इस मंदिर की छत के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सा शैंडलियर भी लगाया गया, लोटस शैंडलियर, और कई बार लोग आकर देखते थे, ओ वाओ, मंदिर के अंदर लोटस शैंडलियर, ब्यूटीफुल। साथ ही मंदिर के छतों पे सोलर पैनल भी आज लगाए गए हैं, जिससे कि मंदिर में बिजली की खपत को 50% तक कम किया गया है। तो इस प्रकार से सोलर पैनल लगा करके हम सूर्य की जो शक्ति है उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, पावर की जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। ये वही सूर्य है, सूर्य देव विवस्वान, जिनको भगवान श्री कृष्ण कई सैकड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले श्रीमद् भगवद्गीता सुनाई थी। सो थैंक्स टू सूर्यदेव। फिर हम आगे चलते हैं इस्कॉन दिल्ली में वैदिक एक्सपो के अंदर, जहां पर की बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी है बेस्ड ऑन रामायण, महाभारत एंड श्रीमद् भागवतम। सो भगवद्गीता लाइट एंड साउंड शो में जब प्रवेश करते हैं तो सीधे आपको देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डीटीज ऑफ गर्भवती विष्णु, उनके चरणों में बैठी हुई हैं लक्ष्मी मैया, और आप आगे बढ़ते हैं तो सुंदर नृत्य करते हुए आपको नजर आते हैं शिव जी। जब हम और आगे जाते हैं तो वहां पर हमको आश्चर्यचकित कर देती है एक बहुत ही सुंदर विशाल श्रीमद् भगवद्गीता, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट भगवद्गीता। 26 फरवरी 2019 को इस भगवद्गीता को इनॉग्रेट किया गया था, और इस विशाल भगवद्गीता का उद्घाटन किया था हमारे देश के ग्लोरियस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये भगवद्गीता 800 किलो की है, माय गॉड, 2000 किलो का तो इसका सिर्फ स्टैंड ही स्टैंड है। और इस एस्टाउंडिंग भगवद्गीता के जो पेजेस हैं वो अनटियरेबल हैं, रिंकल प्रूफ है, वॉटर प्रूफ है, डर्ट प्रूफ है। टोटल इस भगवद्गीता के अंदर 670 पेजेस हैं, और इन पेजेस का टोटल साइज देखा जाए तो 1 एकड़ का तो ये स्पेशल पेज लगा इस भगवद्गीता को छापने में। और अगर आप इसका कवर पेज देखेंगे इस एस्टाउंडिंग भगवद्गीता का, तो इसका गोल्डन कार्विंग के साथ कवर पेज बनाया गया है, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम जाते हैं लाइट एंड साउंड शो ऑफ श्रीमद् भगवद्गीता। और इस भगवद्गीता लाइट एंड साउंड शो के अंदर आप देख सकते हैं पहला चैम्बर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, उनको गीता सुना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो वहां पर ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, किस प्रकार से सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में ट्रांस माइग्रेट करती है। और आगे जाते हैं तो वहां प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किस प्रकार से हमें नचाते हैं, टाइम कैसे फंक्शन करता है, और बहुत कुछ है। सो प्लीज डू कम एंड चेक आउट योरसेल्फ। और इस लाइट एंड साउंड शो के अलावा है महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम पे बेस्ड एक बहुत ही सुंदर गैलरी, जहां पर आपको लगेगा एज इफ यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। इस गैलरी से जब हम बाहर निकलते हैं तो एक बहुत ही सुंदर विग्रह है श्री गौरंग महाप्रभु के, बड़े विशाल हैं, इनको देख करके आपको लगेगा मानो स्वयं आप श्री गौरंग महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं, ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ लॉर्ड गौरंगा। साथ ही इस्कॉन दिल्ली के मैचलेस गिफ्ट शॉप ने पिछले 25 सालों में 1.5 करोड़ श्रीमद् भगवद्गीता और स्पिरिचुअल बुक्स जनमानस तक पहुंचाई है। बुक शॉप ही नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मचारी भक्तों ने, हमारे गृहस्थ भक्तों ने, ये हरे कृष्णा डिवोटीज फ्रॉम इस्कॉन दिल्ली ये सड़कों पे गए हैं, दिल्ली की सड़कों पे धुआं खाया है,
लोगों के ताने सहे हैं, उनकी कड़ी बातें सुनी हैं, फिर भी उनको क्या दिया है? उनको दी है श्रीमद् भगवद गीता, उनको दिया है दिव्य ज्ञान। जब ये वापस पहुंचते हैं वापस मंदिर, तो वॉश बेसिन में जब थूकते हैं तो थूक काली होती है, बिकॉज सो मच ऑफ पॉल्यूशन इज टेकन। सो इतनी निस्वार सेवा की अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके औरों तक दिव्य ज्ञान पहुंचाना, ये काम भी किया है तो इस्कॉन दिल्ली के भक्तों ने किया है। अब आते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन में, वो है प्रसादम। यस, मिड डे मील किचन, या फिर फूडफुला किचन, या गोविंदास किचन, या डीटीस किचन, या डिवोटी किचन, इन सारे किचन्स के माध्यम से इस्कॉन दिल्ली ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पिछले 25 सालों में। जानते हैं कितनी प्लेट्स? वेल, 18 करोड़ 25 लाख प्लेट्स। प्रसादम इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, नॉट एवरीवन कैन डाइजेस्ट फिलॉसफी बट एवरीवन कैन डाइजेस्ट प्रसादम। इसलिए क्लास के अंदर भले हो 100 लोग, लेकिन प्रसाद पाने वाले होते हैं 500 लोग, लेकिन कभी भी इस्कॉन दिल्ली ने किसी को निराश करके नहीं भेजा। जो भी आया है उसको कृष्ण प्रसाद तो मिला ही है। और अब हम पहुंचते हैं गोविंदास रेस्टोरेंट में। ये गोविंदास रेस्टोरेंट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की चेन है, इसके द्वारा इस्कॉन दिल्ली अलोन में पिछले 25 सालों में 22 लाख प्लेट्स प्रसाद खिलाया लोगों को। यस, समटाइम्स फॉर बर्थडे पार्टीज, समटाइम्स फॉर मैरिज एनिवर्सरी पार्टीज, समटाइम्स फॉर रिक्रिएशनल पार्टीज। वेल, यू कैन कम टू इस्कॉन गोविंदास एंड हैव स्पिरिचुअल पार्टी इन इस्कॉन दिल्ली। साथ ही मंदिर के बिल्कुल सामने हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी के आसपास से 108 लोटसेस। लोग आते हैं और हर एक लोटस पे खड़े होकर बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, फिर अगले लोटस पे, फिर अगले लोटस पे, इस तरह से एक माला उनकी पूरी हो जाती है। और पिछले 25 सालों में 8 करोड़ लोगों को 108 बार भगवान का नाम देने की शिक्षा दे चुका है इस्कॉन दिल्ली। साथ ही थोड़ा अगर नीचे की ओर आते तो वहां पर है कालिया कृष्ण, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि काली के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, और इसके आसपास है वाटर पॉन्ड, और इस वाटर पॉन्ड के अंदर होता है पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा बोट फेस्टिवल। इसके अलावा इस्कॉन शिक्षा दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दे रहा है स्पिरिचुअलिटी की, गृहस्थों को भी, यंगस्टर्स को भी, बच्चों को भी। इस्कॉन दिल्ली के अंदर 35 कांग्रेगेशन सेंटर्स हैं, 80 यूथ सेंटर्स हैं, 200 वीकली सेमिनार्स कंडक्ट की जाती हैं, साथ ही 50 कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, 80 आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं ताकि और लोग श्री राधा पार्थ सारथी के परिवार में जुड़ सकें। और इस वक्त करीब 20,000 लोग इस्कॉन दिल्ली से श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर से कनेक्टेड हैं, जो कि अपने जीवन को बदल रहे हैं बाय द मर्सी ऑफ श्री राधा पार्थ सारथी एंड द ब्यूटिफुल लवली कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज। साथ ही इस मंदिर में एक बहुत ही सुंदर तुलसी गार्डन भी है, जिसको एक ब्रह्मचारी भक्त जिनका नाम भुवनेश्वर प्रभु है स्वयं इसको अपने हाथों से मेंटेन करते हैं। आप आकर के इस तुलसी गार्डन के दर्शन भी कर सकते हैं। और अब हम आते हैं YouTube पे। YouTube पे इस्कॉन दिल्ली के चैनल के ऊपर 10 करोड़ मिनट्स का कंटेंट अपलोडेड है, यानी कि अगर आप स्पिरिचुअली कुछ सुनना चाहते हैं ना, आपके पास इतना कुछ सुनने को है कि आप पूरा जीवन भर भी सुनते रहेंगे ना अगर तो भी नहीं सुन पाएंगे। और तो और इस्कॉन दिल्ली के फेसबुक पेज पर 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और इस्कॉन दिल्ली के यूट्यूब चैनल के अलावा माई आश्रय चैनल, जिसकी ओरिजिन भी है तो इस्कॉन दिल्ली में, ऑल्दो माई आश्रय इज सर्विंग एवरीवन ऑल अक्रॉस इस्कॉन, लेकिन हाँ इसके प्राइमरीली जो स्पीकर्स आते हैं दे कम फ्रॉम इस्कॉन दिल्ली। वो चाहे मोहन रूपा प्रभु जी हो, या फिर रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी हो, या फिर सर्वप्रिय प्रभु जी हो, या आपका सेवक अमोगली दास हो, ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने मिलकर के माय आश्रय के थ्रू भी आपकी सेवा की है पिछले 6 सालों में। और ये माय आश्रय चैनल जिसके सब्सक्राइबर्स आज हो चुके हैं 1.7 मिलियंस, और पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो इस्कॉन के टेंपल्स हैं वहां पर कुल मिलाकर के 350 ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इन सारे 350 ब्रह्मचारी में से 150 ब्रह्मचारी रहते हैं इस्कॉन दिल्ली में। अगर आप देखेंगे ये इस्कॉन दिल्ली एक्चुअली एक वैदिक यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ जो लोग वहाँ आते हैं क्यू बना करके और फिर दर्शन करते हैं जय हो करके और फिर वो थोड़ा डोनेशन देकर चले जाते हैं, ये तो होता है नो डाउट, लेकिन साथ साथ में हमारा इस्कॉन दिल्ली है एक वैदिक यूनिवर्सिटी। सो सुबह की श्रीमद् भागवतम और शाम की भगवद गीता क्लासेस में कई लोग आते हैं, वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। सो श्री राधा पार्थ सारथी टेम्पल इस्कॉन दिल्ली ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट एक सुपर डुपर ग्लोरियस प्रोजेक्ट है, जिसको लीड किया है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने। इसके अलावा और कई भक्तों ने निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा की है, यहाँ प्रचार किया है, और यहाँ कितने लोगों को प्रसाद मिला है, आध्यात्मिक शिक्षा मिली है, उनका हृदय का परिवर्तन हुआ है। सुने में देखा जाए तो ये मंदिर वास्तव में सिर्फ मंदिर ही नहीं है, अपने आप में सबसे बड़ा आशीर्वाद है भगवान श्री कृष्ण का सारे दिल्ली वासियों के ऊपर। तो इससे अगर आप अभी तक श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर नहीं आए हैं, सो प्लीज बुक योर कैलेंडर
आइए श्री राधा पार्थ साथी मंदिर में और यहाँ पर आकर विजिट करिए, दर्शन करिए, भक्तों का संग करिए, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की पर्सनल कॉपी लेकर के जाइए और इस प्रकार से अपने जीवन को स्वर्णिम बनाइए, गोल्डन बनाइए। सो लेट्स बी जुबिलियंट ऑन सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। हरे कृष्णा।